आज हम आए हैं इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कि होने वाली है ड्राई फ्रूट की मार्केट। यहाँ पे गोंद कतीरा अच्छे से मिल जाता है, बादाम वगैरह के बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, मखाने के बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल जाते हैं, मखाने रोस्टेड वगैरह सब मिल जाते हैं। और मखाना देख सकते हैं आप कितना अच्छा है, ये अखरोट गिरी भी मिल सकती है, बहुत प्यारी है। आ चुके हैं अपना नया बाजार, अब जल्दी जल्दी चलते हैं मार्केटिंग करते हैं और तुम्हें दिखाते हैं सामान लेके आते हैं। बाकी तुम ये चेक करो, दुकानें ऐसी ऐसी पतली गलियों में बिल्कुल बेहतरीन। ये देखो भाई दुकानें, ड्राई फ्रूट के साथ साथ पूजा पाठ का सामान भी मिल जाता है, हर तरीके का आइटम मिल जाता है इस मार्केट के अंदर, आप कुछ भी ले सकते हो। यानी चार तीन इसमें हैं और चार इसमें हैं, लेकिन मानोगे बाकी तुम्हें चेक करो, एड्रेस वगैरह कुछ डाल दिए हमने ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना भूल पड़े। ऐसे सामान डिलीवर होता है बड़ी गाड़ियों में, ऐसे ही हमारा भी सामान लदेगा अभी। तो भाई फिलहाल में तुम ये चेक करो, मैंने दिल्ली पुलिस की कैब पहन ली आ रखी थी, मतलब भैया की है ये सामान वगैरह जो था वो ले लिया था, बाकी गाड़ी में आ रहा है। और बाकी तुम गाड़ी की कंडीशन देख सकते हो, ऐसे करके पूरा सामान भर रखा है गाड़ी में और पार्टीशन में बांट दिया है जिंदल भैया और मेरे को आगे वालों ने। आगे वाले तो मस्त बैठ के आ रहे हैं और अमित भैया हमारे फुल रिलैक्स मूड में बैठे एकदम, गाने वाने सुन रहे हैं पुराने वाले। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है फुल ऑन फुल अपना सुबह के साथ और बेहतरीन अपने बड़े लोगों के साथ, यानी कि बड़े भैया के साथ और जत्तू के साथ। तो अमित भैया आगे बैठे वाले हैं और जत्ती नवारा चला रहा है गाड़ी आज, ये चेक करो। और अभी आसमान लोगों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आज हम जाने वाले हैं सबसे बड़ी मार्केट, किस चीज़ की, मतलब होलसेलर की, ड्राई फ्रूट्स की, सब चीज़ की, एनीथिंग जो भी तुम्हें सामान लेना है वो सब उस मार्केट जा रहे हैं। उस मार्केट का क्या नाम है बता दूं, हरी बावली नया बाजार, जो कि सदर बाजार के जस्ट सामने है। और वहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स ए टू जेड मिल जाते हैं और भी सारी सामान चीजें मिल जाती है, जैसे कि मसाले वगैरह हो गए, खड़े मसाले हो गए, सब चीज, मतलब बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। तो फिलहाल में अभी थोड़ा सफर का मजा लेते हुए चलते हैं और डायरेक्ट मिलते हैं कहाँ पे, सीधा मार्केट के अंदर। और बाकी जत्तू तो हमारा गाड़ी चला ही रहा है, जत्तू आज खुश है, वो आगे तो ललित होटल है, जत्तू आज खुश है। यहाँ से लेफ्ट ऐसे बढ़ जाते हैं ना, सफर का मजा लेते हैं और निकलते हैं सीधा काम पे अपना मार्केट और डायरेक्ट मार्केट के अंदर घूमेंगे। तब मैंने बताया था मुझे रामलला मैदान। हम भाई देखो कहाँ पर है इस टाइम, एड्रेस पढ़ो, हम चल रहे हैं अभी जीबी रोड। भाई फिलहाल में क्या सीन है, गाड़ी वगैरह पार्किंग में लगा के अभी अपना चल रहे हैं कहाँ पे, मार्केट की तरफ। कल में आ चुके हैं अपना नया बाजार, अब जल्दी जल्दी चलते हैं मार्केटिंग करते हैं और तुम्हें दिखाते हैं। सदर बाजार उस कोने पे है, यहाँ से लेफ्ट पूरा सदर बाजार है और इस तरफ नया बाजार है और सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है और बाकी कमला मार्केट के लिए भी रास्ता उधर से ही है। और ये देखो दुकानदार वाली बातचीत, ये लो है पुरानी दिल्ली के मजे, ये देखो। और जत्तू अमित भाई और जिंदल भाई चल रहे हैं बोल थैला वगैरह लेके। और तुम्हें पता है मैं तो हूँ फ्री होल्ड, क्योंकि मेरा आया दोस्त है भाई, मैं तो फ्री होल्ड हूँ आज, फ्री होल्ड होके आया हूँ। बाकी लाहौरी गेट का थाना ये रहा हमारे बगल में, थोड़ी जगह दे के लाया था कि सामान वामान रखना पड़े तो दिक्कत नहीं होगी। हाँ अरे जब तू हमारा पायलट है, पूरे रास्ते गाड़ी चला के आया, तुमने देख ही लिया है कोई चक्कर में। ड्राइविंग टेस्ट हो देना 23 तारीख को, या कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा टेस्ट में पास। फिलहाल में चलते जल्दी जल्दी अंदर और मार्केट के नज़ारे दिखाते हैं तुमको, वो भी बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। भाई फुल फीलिंग आती है एकदम पुरानी दिल्ली, लगता है कि हाँ भाई ये है पुरानी दिल्ली, पुरानी दिल्ली। पुरानी दिल्ली देखो क्या, ये देखो ये है, ये तो कुछ भीड़ नहीं है भाई, अभी आगे भीड़ दिखेगी, गलियां दिखाते हैं। भाई ये चेक करो, सब में प्यारी जगह, एकदम पतली गली देख रहे हो, जब तू फंस जाएगा वैसे इस गली में। हाँ, बड़े हैं नहीं भाई, इस गली में लोग सामान लेके आते हैं। बाकी तुम ये चेक करो, दुकानें ऐसी ऐसी पतली गलियों में फुल बेहतरीन, ये देखो भाई दुकानें
मसालों की दुकानों की तरफ आ गए हम बढ़ते हुए। बहुत बढ़िया या तुम्हें स्वाद दिखाएंगे पुरानी दिल्ली के तुम बातचीत वाले। तो भाई अमित भैया तो ले रहे हैं सामान वगैरह, ऑर्डर वगैरह लिखवा रहे थे उधर, ये चेक करो। हेलो अमित भैया तो ऑर्डर लिखवा रहे हैं अपना, बढ़िया। हाँ ठीक है ठीक है, जिम्मेदारी मुझे दे दी है और हमें बगल में थोड़ा यहाँ पे बैठने वगैरह के लिए आए थे। ये भाई का गोदाम है बगल वाली जिनकी शॉप है ना, सामने देखो ये भी बहुत सारी दुकान है। पुरानी दिल्ली की वाइब, ऐसी छोटी छोटी जगहों में दुकानें हैं यार। ये चेक करो भाई जीना कहाँ से ऊपर जा रहा है। अमित भैया वगैरह भी सामान ले रहे थे तो हम, मैं और जत्तू, हम जाने लगे मार्केट की सैर करने के लिए। तो अभी यहाँ पे हम मसाले वाली मार्केट में घूम रहे हैं जहाँ पे सभी तरीके के मसाले मिल जाते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, कस्तूरी मेथी, क्या सुपारी, और ये धनिया, ये सौंफ। और अभी हम आ गए गोंद कतीरा देखने के लिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी लिख रखी है गोंद कतीरे की। और तुम्हें पता होगा ये गोंद कतीरा किस लिए काम आता है, ये पेट में ठंडक के लिए काम आता है। अभी मार्केट करना शुरू कर दिया है हमने, वो जो मसाले की मार्केट थी वहाँ से तो अपन हो के आ गए थे, सामान वगैरह खरीद ही लिया था जो खरीदना था। बाकी आज ना धूप की वजह से भीड़ थोड़ी कम सी लग रही है मार्केट में, वरना बाकी तुम पूरी पुरानी दिल्ली की वाइब चेक कर सकते हो ऐसी हो रही है। तो अभी हम धीरे धीरे चल रहे हैं कहाँ पे अपना, ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आपको चेक करवाते हैं बहुत ही बेहतरीन रेट में और बहुत ही प्यारी। बाकी इधर देखो डिस्प्ले कटोरी में करके रख रखी है, बढ़िया है। चलते हैं अभी अपना, और बाकी तुम ये देखो कितने पुराने टाइप के ठेले हैं, ये पहले चलते थे और अभी भी चल रहे हैं, बढ़िया। ये देखो ये भाई पुरानी दिल्ली की वाइब। बाकी हर जगह दूर दूर तक मार्केट ही मार्केट, कुछ भी सामान लो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, काफ़ी बड़ी मार्केट है। सदर बाज़ार इसके जस्ट अपोजिट में है। फिलहाल चलते हैं अभी अपना ड्राई फ्रूट वगैरह लेते हैं, वहाँ पे आपको चेक करवाएंगे सारा मैप। भाई यहाँ पे आप जो मर्जी आइटम ले सकते हो कैसा भी किसी भी प्रकार का। तो ये अभी हम आ चुके हैं कहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, ये पूजा पाठ का सामान के लिए। यहाँ पे सभी प्रकार की धूपबत्ती अगरबत्ती हर प्रकार की मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया खास बात लगती है मेरे को इन भैया के मंदिर की, जो कि अंदर आपको दिख रहा है फ्रंट पे। बाकी ये चेक करो धूपबत्ती शानदार की सबसे बड़ी शॉप है ये। सामान वगैरह ले लिया है हमने, अभी चल रहे हैं आगे की तरफ। हर मार्केट में एक गली है जिसका अपना अपना नाम होता है, इस गली का नाम है इंडो अफगान। तो इस गली में मिलते हैं सारे ड्राई फ्रूट्स, क्या मखाने और काजू, किशमिश, बादाम, खजूर, हर चीज़। तो भाई अभी चल रहे हैं अपना काजू, बादाम, किशमिश वगैरह देखने के लिए, और आपको मिलते हैं डायरेक्ट कहाँ पे, बादाम की शॉप पे चलते हुए एकदम बेहतरीन करके। जिंदल भैया थैला वगैरह लेके चल रहे हैं और अमित भैया के हाथ में भी थैला, मेरे हाथ में एक थैला, और हम चल रहे हैं बढ़िया मार्केट करने के लिए, बेहतरीन दुकानें छाँटेंगे। और ये चेक करो, हम एक दुकान के अंदर आ चुके हैं भाई, और यहाँ पे है बादाम के कट्टे लगे पड़े हैं और काजू देख रहे हैं। अभी काजू काफ़ी प्रकार का होता है जिसका नाम होता है W17, W18, W21। जैसे जैसे नाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वैरायटी आगे आगे बढ़ती जाती है। बाकी ये तुम बादाम की वैरायटी चेक कर सकते हो, कैलिफोर्निया बादाम है जिसे मामरा गिरी बोलते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। एकदम दाना देख रहे हो, खिला हुआ एकदम दाना, ये देखो इसके अंदर ऑयल ऐसे निकलता है ना, ये है असली बादाम जो कि बहुत महंगा मिलता है, बट यहाँ पे होलसेल में उठा सकते हैं हम। और बाकी ऐसे देखो यहाँ पे सामान डिलीवरी करने के लिए ऐसे छोटी ट्रॉलीज होती है, ये खड़ी रहती है, इसी पे हमारा सामान भी बाहर जाएगा। और अभी पल्लेदार वगैरह पकड़ेंगे, तो फिलहाल में अभी और मार्केट घूम लेते हैं हम, देखते हैं क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना। बादाम और काजू तो हमने फिक्स कर दिया है। अभी हम आ गए थे कहाँ पे अपना मखाना वगैरह छाँटने के लिए। मखाना देख सकते हो कैसा एकदम बढ़िया, इसे बोलते हैं गुल्ला मखाना, एकदम सॉफ्ट होता है ये, दांत में चिपकता नहीं है, मखाने की यही पहचान है। बाकी तुम ये देखो क्या प्यारा मखाना लग रहा है भाई, ये पैकेट में मखाना है। और अभी हम आ गए हैं गिरी देखने के लिए, अखरोट गिरी, जो कि सबसे बेस्ट गिरी मानी जाती है यहाँ की, चिली जिसका नाम होता है चिली अखरोट गिरी। ये देखो जो अभी हमने किशमिश और खजूर खरीदा था वो हमने एक नग में कर दिया, इसके अंदर हमने डाल दी है 3 पेटी नीचे और 1 पेटी ऊपर, 4 पेटी ये दी और 1 पेटी हमारी साइड में ये रखी। ये काजू वाली पेटी, मतलब जब काजू का नग बनाएंगे उसके अंदर वाली पेटी सेट कर देंगे। तो अभी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तो सामान रह गया है, बाकी सारा तो हमने कर लिया, अभी जाके गाड़ी में रखते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या क्या लेना क्या नहीं लेना। बाकी ये चेक कर सकते हो, सारा सामान वगैरह रख दिया, आधा कट्टा ये रहा इसके अंदर काजू और वो जो एक्स्ट्रा पेटी है वो वाली रखी। एनबी के पास चले जाते हैं, चलते जत्तू अभी अपना काजू का टिन उठाने के लिए आया है एक शॉप से, यहाँ से उठाते हैं फिर अपना नग तैयार करते हैं पूरा प्रॉपर। अभी जत्तू अंदर जा रहा है, मैं काजू वगैरह ला के इन दो नग में बहुत प्यारे तरीके से सेट कर दिया है। इसके अंदर तुम मान सकते हो कितनी पेटी है, 4, 3 इसमें है और 4 इसमें है,
यकीन मानोगे। बाकी तुम ये चेक करो, एड्रेस वगैरह सब चीज़ डाल दी हमने ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, ना भूल पड़े। तो फिलहाल में भैया वगैरह को कॉल करते हैं, हम निकलते हैं, फिर ये नग उठवाते हैं पल्लेदारों से थोड़ा सा, वो रेंट पे मिल जाते हैं थोड़ा सा, नग उठाने के हिसाब से पैसे लग जाते हैं। बाकी अपने मखाने के 3 नग ये रखे, 2 ये रहे। चलते हैं भाई बाहर की तरफ, कॉल करिए भाई, भैया कॉल करना। थोड़ा वो सामान अपना हो गया था डन और आ चुके हैं मार्केट से निकल के बाहर। बाहर भी हो रखी है कुछ ज़्यादा भीड़, तुम चेक कर सकते हो। और जब हम आए थे ना तो भाई इतनी तगड़ी धूप पड़ रही थी और इस टाइम पहुँचे घने बादल हो रखे हैं, थोड़ा माहौल ठंडा हो गया है, मार्केट करने में मज़ा आएगा। मगर बारिश भी हो सकती है और जब बारिश होने लगे, और जब बारिश होती है ना भाई, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, पता है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ और टेंस हो जाती है, फिर माल कैसे उठाएं, कैसे क्या करें। बाकी तुम पुरानी दिल्ली की बाइक लेना चाहते हो तो यहाँ आ सकते हो, ये चेक कर, रिक्शे पे सामान भर रखा है और आगे भी बहुत चीज़ें हैं। हाँ यार भूख सी लग रही है ना, भूख लग रही है भाई, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया मैंने, तो ऐसे उठ के आ गया था। बड़े आदमी भाई, बड़े आदमी जो करके आते हैं, अब मेरी तो हाइट भी छोटी, छोटा आदमी भी। चलते हैं सामान वगैरह उठाते हैं, मौसम बढ़िया हो रहा है भाई। हाँ बाकी तुम ऐसे देखो, ऐसे सामान डिलीवर होता है बड़ी गाड़ियों में, ऐसे ही हमारा भी सामान लदेगा अभी और फिर ट्रक में आएगा डायरेक्ट कहाँ पे, अपने दुकान पे। चलते हैं भाई, लड़ाई हो गई भाई, लड़ाई भरी मार्केट में लड़ाई हो गई। अपने 8 साल के करियर में पहली बार देखी खरी वाली लड़ाई है ना, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ भाई जिंदगी में लड़ाई। 8 से 10 साल हो गए आते लेकिन आज तक नहीं देखी थी मार्केट में। अब मैंने पहली बार देखी भाई, दूर दूर तक भीड़ लग गई है पूरी दुकानों पे, देख रहे हो चावल वाले को भी लड़ाई बहुत तगड़ी। अपना गाड़ी पे सामान वगैरह लेके, अभी थोड़ा सामान गाड़ी में रखते हैं, फिर एक और चक्कर मारना पड़ेगा। और बाकी जो भारी भारी आइटम है ना जिसका नग बनाया था, वो पल्लेदारों को बोलेंगे बुला के छोड़ के, वो सब से आएगा। बाकी अपना माल जैसे मैंने तुम्हें दिखाया था, बहुत ज़्यादा आइटम लेना पड़ जाता है कभी कभी। तो अभी तो फिलहाल में कैसे ना अपनी गाड़ी पे आ गए हैं और हमारी गाड़ी पे देखो क्या लिख रखा है, दिल्ली पुलिस मेरी जान, बातचीत वाली गाड़ी है, ऐसे हल्के में ले रहे हो क्या। हाँ जब तू भाई क्या हाल है, अभी चाबी मंगवाइए पार्किंग में से, भाई आ रहे हैं सामने से, ये देखो चाबी का गुच्छा लेके आ रहे हैं भाई सामने से, बड़े बाल वाले। अब जल्दी जल्दी गाड़ी खोलते हैं फिर रखते हैं इसके अंदर सामान। अब तुम समझ रहे हो मैं तुम्हें फेक बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस की टोपी रखी है, दिल्ली पुलिस की फाइल रखी है भाई, गाड़ी अपनी है ये, तुम मेरे को दिखा रहा हूँ ये भाई, जब तू खोल। अरे यार तुम हल्के में ले रहे हो क्या, बातचीत है मेरी जान, बोल भाई जल्दी। अब लाऊँ कैसे, अब पहले एक एक करके उधर रख जाके मैंने गाड़ी, हाँ उधर है गाड़ी, हाँ इधर लिया, पहले से तू इधर लिया, पीछे की तरफ उतारा सामान ऐसे करके भी रख दिया थोड़ा सा गाड़ी में। बाकी तुम अभी गाड़ी बंद करते हैं, जब तू पता नहीं लॉक वॉक सा लगा रहे क्या कर रहा है। चलते हैं भाई अपना जल्दी से गाड़ी उठा के, चलते हैं भाई अपना कहाँ वापस भैया वगैरह के पास। अरे कुछ खाने के लिए रखा था, खा लेते हैं, कहाँ रखे गाड़ी में बता, खाना थैले में, थैल तो पीछे कर दिया मैंने वापस। तो भाई फिलहाल में तुम ये चेक करो, मैंने दिल्ली पुलिस की कैब पहन ली जो यहाँ रखी थी, मतलब भैया की है, ये हमारे एक जानकार हैं दिल्ली पुलिस में, तो अपनी गाड़ी में भूल गए थे कैब, फिलहाल में चेक करो। स्मार्ट लग रहा हूँ मैं दिल्ली पुलिस की कैब, पहली बार पहनी जिंदगी में, उतार देते हैं यार किसी और की है, हमारी तो है नहीं मगर फिर भी कोई नहीं, टाइट है यार जत्तू भाई। दिल्ली दिल्ली पुलिस ये चेक करो भाई, दिल्ली पुलिस लोगों देखो और ये जत्तू को देखो, हाय सूबेदार साहब, वो तेरे मूछों की वजह से लग भी रहा है तो। अब जल्दी से यार एसी वगैरह ऑन कर लिया अपना, अब खा पी लेते हैं, थोड़ा सा पराठे वगैरह रखे थे, फिर उसके बाद चेक करेंगे क्या कचौड़ी पचौड़ी चल के। बाकी एक इन्वेस्टिगेशन की फाइल भी रखी है यहाँ पे, वो हम नहीं देख सकते। निकाल लिए सब्जी और उसमें पराठे थोड़ा सा मारते जल्दी जल्दी एक एक और भाई, सही में मानो नहीं बारिश ने पूरा अंधकार काट दिया, फुल ऑन फुल कीचड़ हो गई है सारे रोडों पे। बाकी तुम देख सकते हो पूरा रोड गीला वीला पड़ा है, तो जत्तू तो उठा रखा मखाने का कट्टा है ना, तो जत्तू क्या हाल है कह रहा बढ़िया है भाई, कीचड़ में चलना पड़ रहा है। और बाकी अपना 4 नग वो लगवा दिए, एक दो अंकल ने आगे उठा रखे हैं, 2 ये रहे और एक जत्तू ने उठा लिया, मैं फिर होके चल रहा हूँ आगे जाके दे। चलो भाई चलते हैं अभी,
रखवाते हैं सामान, फिर देखते हैं और क्या क्या सामान रह गया है। तो भाई जो सामान वगैरह अभी उठा के जा रहे थे वो हमने गाड़ी में डलवा दिया, और अभी फिलहाल में तुम देख सकते हो बारिश की क्या कीचड़ हो रखी है यार, फुल गजब से डलवा देना, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रखी है। इस कीचड़ में हम सामान लेके डोल रहे हैं, जूते कपड़े कपड़े शकल वकल सबकी हालत ख़राब हो गई है, मगर भाई जो हवा चल रही है ना वो दिल को खुश कर देने वाली हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है मेरे भाई, मगर थक भी गए हैं और कीचड़ में बुरी हालत भी है। तो भाई चल रहे हैं अपना गाँव पे, अभी और सामान उठाते हैं गाड़ी में डालते हैं फिर देखते हैं। बाजार से हो गया सारा काम खत्म, गाड़ी में सामान वगैरह लाद दिया था, और जत्तू भाई साहब हमारे गाड़ी लेके आ गए हैं, अभी हम भी जल्दी जल्दी बैठते हैं गाड़ी के अंदर बढ़िया करके, और फिर निकलते हैं अपना घर के लिए, है ना। तो गाना बंद करो ना, गाना बंद करो ना, कॉपीराइट आता है यार। सामान वगैरह जो था वो ले लिया था, बाकी गाड़ी में आ रहा है, और तो और बाकी तुम गाड़ी कंडीशन देख सकते हो, ऐसे करके पूरा सामान भर रखा है गाड़ी में, और पार्टीशन में बांट दिया है जिंदल भैया और मेरे को आगे वालों ने, आगे वाले तो मस्त बैठ के आ रहे हैं, और अमित भैया हमारे फुल रिलैक्स मूड में बैठे एकदम, गाने वाने सुन रहे पुराने वाले, ठीक है। और जत्तू भाई साहब हमारा पूरा रास्ते गाड़ी चलाते हुए आए आज, क्या क्या कह रहे टेढ़ी बेढ़ी, खुश हो गया मगर जत्तू आज गाड़ी चला के, बढ़िया है जत्तू भी धीरे धीरे पायलट बन जाएगा, फिर निकलेंगे टूर पे, गई है ना जत्तू थार ले रहा है ना, तभी तो ट्रेंड कर रहे हैं इसे, फिर निकलेंगे टूर पे। फिलहाल में अभी यहाँ पे बकवास को करते हैं स्टॉप, और चलते सीधे दुकान पे सामान वगैरह उतारते, तब मिलते हैं। आ चुके हैं अपना वहाँ पे दुकान पे, और जत्तू भाई सामान वगैरह उतार रहा है, दुकान के अंदर रख रहा हूँ मैं इंटर को, एकदम बढ़िया, बहुत थक गया आज मार्केट में, तुमने सब देखे, हाँ बहुत तेज आई थी वहाँ तो, वहाँ तो हालत ख़राब होगी बारिश में। जब तू जल्दी जल्दी माल निकाल रहा है, बाकी आधा माल तो मैंने दुकान में रख दिया। तो इसी के साथ कर देते इस ब्लॉग का यहाँ पे एंड, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, मिलते हैं अगले ब्लॉग में नई मस्ती नए फन के साथ, जब तक के लिए बने रहिए अपने सिंधु भाई के चैनल पर।